बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में अभी की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिनेंस को, अकाउंट स्टेटमेंट को दराज की, जो कि 15 दिन का एक साइकिल होता है। 15 दिन के बाद साइकिल्स की आपको पेमेंट्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाती है। ये अकाउंट बिल्कुल 2021 में बना, 2021 में पहला ऑर्डर आया तो उस दिन से इसका साइकिल, जब पहला ऑर्डर डिलीवर हुआ उस दिन से इसका साइकिल स्टार्ट हुआ। ठीक है, 114 की जो पेमेंट है वो आपको 20, 21, 22 को रिसीव होती हैं और 15 से 31 यानी 15 से 30 तक की जो आपको पेमेंट्स हैं वो 8, 9, 10 इस डेट्स में रिसीव हो जाती हैं आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आपने गिवन होता है। ठीक है, इसके अलावा आप इस जो पेमेंट स्टेटमेंट्स में क्या देख सकते हैं, लाइक आपको ये वो आइटम चार्जेस हैं, जो आइटम प्राइस है जो आपने बेची, ये इसमें शिपिंग फी जो कि कस्टमर ने पे की, दराज थर्ड पार्टी है, वो कस्टमर और आपके दरमियान एक थर्ड पार्टी है, शिपिंग का जो काम है वो आपके ऊपर डाला गया है जो कि आपके बिहाफ पे दराज डील कर रहा है। तो वो कहते हैं कि दराज अंदर से फारिग हो जाता है, ये आपसे आप जो शिपिंग वेट डालते हैं उसकी बेस पे हम कस्टमर से पैसे ले लेते हैं और यहाँ से वो आपसे कट कर लेते हैं ऑटोमेटिक शिपिंग फी। अगर किसी प्रोडक्ट पे का वेट आपने कम डाला है प्रोडक्ट ऐड करते हुए लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा बन रही थी, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हैंड फ्री थी उसका आपने वेट कम डाल दिया, लाइक उसका वेट था 200 ग्राम आपने डाल दिया 50 ग्राम और उसकी डिमेंशन गलत लिखी, जिसकी बेस पे कस्टमर से कम शिपिंग चार्ज की गई लेकिन उसकी जो असल चार्जेस थे वो ज़्यादा थे, लाइक 100 रुपये चार्ज करना था उस पर 50 रुपये चार्ज किए गए लेकिन एक्चुअल वैल्यू 100 थी। तो वो यहाँ क्या करेंगे कि कस्टमर से 50 रुपये लिए तो वो यहाँ ऐड कर देंगे और आपसे तो उन्होंने 100 रुपये लेना है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस वजह से ये एक डिफरेंस आ रहा होता है, तो हमें इसको पकड़ना होता है और इसको जज करना होता है। वो आप यहाँ से जज कर सकते हैं थ्रू जाके कि किस पे शिपिंग हमें एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है, किस प्रोडक्ट पे किस पे हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हुई। ठीक है, ये सारी आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन ये एक अंदर एरर है, एरर नहीं है, ये असल एक ट्रिक है, एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, बिजनेस का पार्ट है। हो सकता है आपने फ्री शिपिंग में ज्वाइन किया हो तो कस्टमर से तो उन्होंने फ्री शिपिंग ली नहीं लेकिन वो ऑटोमेटिक फ्री शिपिंग से आपको इधर से कट कर लेंगे। तो फ्री शिपिंग की जो कंपेन्स हैं वो बहुत ध्यान से आपने करनी है, सिर्फ सेम सिटी के कस्टमर्स को आपने फ्री शिपिंग देनी है, अदरवाइज मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि फ्री शिपिंग की कंपेन बड़ी आप ज्वाइन करें, उसमें ऑर्डर्स बहुत अच्छा है माशाल्लाह, फिर भी ऑर्डर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ये पेमेंट फीस है जो आपके बिहाफ पे 1.2% दराज स्टैंडर्ड है, 1.25% दराज स्टैंडर्ड है। अब कहीं पे लिखा आ रहा है, मैं गूगल करूँ कि दराज की पेमेंट फीस क्या है तो वो 2% आ रही है, तो अभी तक मुझे यही पता है कि 1.25% है, हो सकता है ये बाद में अपडेट हो जाए तो करेक्ट कर दे अगर किसी और भाई को भी पता है तो। उसके बाद कमीशन है जो आपके बिहाफ पे दराज कमीशन ले रहा है, जो कैटेगरी टू कैटेगरी डिसाइडेड है दराज उस हिसाब से कमीशन ले लेता है। अगर लाइक होम एंड किचन की 12.90 है, मोबाइल एसेसरीज की 12.90 है तो वो यहाँ से ले लेता है। एक आपके बिहाफ पे वैट लिया जाता है, वैट लिया जाता है शिपिंग फीस के ऊपर और पेमेंट फीस के ऊपर, पेमेंट फीस और शिपिंग फीस के ऊपर 16% वैट पंजाब के हिसाब से। आप किसी और ज़िले से हैं, अब किसी और सूबे से हैं तो आपको उस सूबे के जो भी वैट का क्राइटेरिया होगा उसके ऊपर आपको चार्ज किया जाएगा। लाइक सिंध 12% है, बाकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा केपीके का नहीं मुझे आइडिया, तो वो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा रिटर्न है, अगर कोई पर्सन आपको रिटर्न करता है तो उसकी जो पेमेंट फीस वगैरह है वो आपको मिल जाती है, कमीशन और पेमेंट फीस, लेकिन वो जो पैसे हैं वो आपकी पेमेंट से कट होके डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका एक क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है, ये वो क्लोजिंग बैलेंस है, ये पैसे तो इतने बने लेकिन ये वो क्लोजिंग बैलेंस है जो कि हमें आना है। तो ये चीज़ थी जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करवानी थी या आप लोगों को गाइड करनी थी। क्लोजिंग बैलेंस है, इसके बाद ये बता दिया जाता है कि आपको ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसके बाद आपको बता दिया जाता है कि ये आपका एस्टिमेट पे आउट टाइम है, ये पेमेंट आपको इस दिन से इस दिन के दरमियान आपके अकाउंट में शो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको एक्सप्लेन करनी थी, आप इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें दो और चीज़ें हैं, ऑर्डर ओवरव्यूज़ और ट्रांजैक्शन ओवरव्यूज़। आप ऑर्डर वाइज देख सकते हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आपसे क्या कमीशन ली गई, क्या वैट लिया गया और कितना पे आउट मिला आपको। ठीक है, कितने पैसे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इसी तरह से आप सब प्रोडक्ट्स का देख सकते हैं और इसी तरह से ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट फीस देखी जा सकती है। ये मैंने ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं किया ये वाला एरिया,
तो मैं सिर्फ इन दो चीज़ों को ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, इसलिए सॉरी मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वेरी वेल। तो आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा भी इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपको अकाउंट स्टेटमेंट पे या ऑर्डर ओवरव्यू में कोई क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं कमेंट में, पिक्चर्स भी डाल सकते हैं आई थिंक सो, तो आप या कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिख के कर लीजिएगा हैशटैग सवाल के साथ, टीम इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल उस पर रिस्पॉन्स दे देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को क्लिक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और ताकि सपोर्ट मिल सके। सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10K क्रॉस करने वाला हूँ, हो सकता है आप बाद के सब्सक्राइबर्स में से हों, लेकिन इंशाल्लाह मेरा काम है नॉलेज देना, तो मैं अपना जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उसको लॉयल तरीके से दे रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।